हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद जो है ये वाला वीडियो लेक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये सारे लेक्चर्स आपके लिंक्ड लेक्चर हैं। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कन्वर्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन इन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल, दिस इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन एंड वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू फाइनाइट। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, ठीक है? तो इसके लिए जो है डिज़ाइन करेंगे, तो क्यू जीरो दिस इज योर इनिशियल स्टेट और क्यू वन टू स्टेट्स आपने ले ली, और ए ए बी और ए प्लस बी बी ए एस्ट्रिक बी, ठीक है? इसके लिए जो है आपने डी एफ ए को डिज़ाइन कर लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे? ए और बी को अलग करोगे, ठीक है? सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे? क्यू जीरो ए एंड बी, ठीक है? ये आपकी फाइनल स्टेट। अब इसके लिए जो है ए प्लस बी बी, तो ए प्लस के लिए आप कैसे लिखते हो? तो ए और बी बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी बी के लिए, ठीक है? ए एस्ट्रिक बी, तो ए एस्ट्रिक के लिए आपका ए एस्ट्रिक, बी के लिए आपका इधर चला जाएगा, ठीक है? तो ये आ गया। अब थर्ड स्टेप में आपका, थर्ड स्टेप में आप कैसे करोगे? ए और बी, अब इस बी बी के लिए जो है बनाओगे आप क्यू जीरो ए बी, दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब देखो इसके लिए कैसे बनाओगे आप, ए पहले आप बी बी के लिए बना लो, तो बी और बी, ठीक है? और फिर ए, ए आपका कहाँ जाएगा? ये आ गया, तो ए बी और बी के लिए आपका ए बन गया, ठीक है? अब ए एस्टिक के लिए आप ए एस्टिक को, ये आ गया आपका ए एस्टिक के लिए, और बी के लिए आपका कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा, ठीक है? तो अब इनको स्टेट्स दे दो, क्यू वन क्यू क्यू टू, इसको क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव, यह आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आ गया, ठीक है? अब देखो इसमें ए बी बी के लिए ए बन गया आपका, ठीक है? और ए एस्टिक के लिए आपका ए बन गया, और जो है बी के लिए आपका ए बन गया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है डी एफ ए में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।